अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है काउंट डाउन मैथमेटिक्स बुक 4 का। पेज नंबर 8 पे आ जाएं आप। पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 1 बी क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का ए पार्ट देखिए, इसमें लिखा हुआ है 10,000 6,000 900 5। इन तमाम वैल्यू को ऐड करके हमें इसमें अपना आंसर लिखना है। तो तमाम वैल्यू को आप ऐड करें और हमेशा जो है राइट साइड से लिखना शुरू करें 0001। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया 10,000। अब ये वाली वैल्यू भी राइट साइड से स्टार्ट करिएगा लिखना 000। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 6। इस तरह से 905। आप यहाँ पे तमाम वैल्यू लिखें, फिर उसके बाद 000 और 5। इन तमाम वैल्यू को ऐड करें 000 और ये 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 0 प्लस 0 प्लस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। 0 प्लस 0 प्लस 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। 0 प्लस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और यहाँ पे 1 है खाली लिखा हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 16,905। यहाँ पे आ जाएगा 16,905 तमाम वैल्यू को ऐड करने के बाद। बी पार्ट पे आ जाए, बी पार्ट पे लिखा हुआ है 12,500 - - (-) = 5,600। इसमें कह रहे हैं कि 12,500 में से कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करें कि हमारे पास ये आंसर आ जाए 5,600। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ी वैल्यू में से जो हमारे पास इज इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू है इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें 12,500 और 5,600। ठीक है, हमने ये दोनों वैल्यू लिखी, अब यहाँ पे माइनस करना है। अब 0 में से 0 माइनस करें तो 0 आ जाएगा, 0 में से 0 माइनस करें 0। 5 में से 6 माइनस करें, 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि 5 जो है वो छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। तो इसके लिए हम बराबर से पावर ले लेंगे, बराबर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2। तो 2 में से हम यहाँ पे ले लेंगे एक पावर लिए, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 क्योंकि हमने इसको एक पावर दे दी, तो ये 2 से 1 हो जाएगा। अब 15 में से 6 माइनस करें तो आपके पास आएगा 9। और 1 में से 5 माइनस करें, 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि छोटा नंबर है ये बड़ा नंबर है। तो हम बराबर से पावर ले लेंगे, बराबर में जो गिवन है वो 1 ही गिवन है, तो ये हो जाएगा 11। 1 और 1 11। 11 में से 5 माइनस करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6,900। यहाँ पे आ जाएगा 6,900, यानी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करूंगी तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अच्छा, सी पार्ट में देखें 100 more than 99,990 =, यानी कि ये जो है 99,990 जो है इसमें और ज़्यादा जो है अगर ऐड करेंगे हम 100 को तो वो किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है एडिशन हो रही है, तो 99,990 में ऐड करें 100, तो 0 में 0 ऐड करें 0, 9 में 0 ऐड करें 9, 9 में 1 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, वो 0 इसलिए आएगा क्योंकि 9 + 1 10 होता है, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 पावर चले गई इसकी। ठीक है, फिर 9 में 1 ऐड करें तो ये हो जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 पावर ऊपर चली जाएगी। फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 + 1 10, तो यहाँ पे पूरा लिख देंगे हम 10 क्योंकि इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है जिस पे हम पावर लगाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100090। तो ये हमारे पास आंसर लिखा हुआ। उसके बाद डी पार्ट में आ जाए, डैश मस्ट बी एडिड टू 100050 टू मेक 102550। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि कौन सी वैल्यू मैं इसके अंदर ऐड करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो आप इसके अंदर कौन सी वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा। तो आपके पास ये आंसर है, मतलब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद ये वाली वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये। तो लेकिन आपको ये वाली वैल्यू पता ही नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप आ जाएं डी पार्ट पे, तो यहाँ पे बड़ा नंबर हमने वाला लिखा 102550, तो 102550। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 100050, तो यहाँ पे लिख दिया 100050। ठीक है, अब इसमें से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करें, 0 में से 0 माइनस करें 0, 5 में से 5 माइनस करें 0, 5 में से 0 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 क्योंकि 5 में से कुछ भी माइनस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। 2 में से 0 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2, 0 में से 0 माइनस नहीं हो सकते तो 0 ही आएगा, 1 में से 1। तो लेकिन आगे हम 0 लगाएं या नहीं लगाएं इसकी कोई अहमियत नहीं होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया।
ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे लिख देंगे 2500, इस वैल्यू को इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, अब ई पार्ट में लिखा हुआ है 49396, माइनस करें हम किस वैल्यू से कि हमारे पास यहाँ पर आ जाए 10086। तो ये जैसे ऊपर वाला हमने किया था कि हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया था, ऐसे ही 49396 से हम 10086 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तब यहाँ पे 49396 माइनस 10086 को माइनस करेंगे तो 6 में से 6 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 में से 8 माइनस करें 1 आ जाएगा, 3 में से 0 माइनस करें तो 3 आ जाएगा, 9 में से 0 माइनस करें तो 9, 4 में से 1 माइनस करें तो 3, तो ये हो जाएगा 39,310। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39,310। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। आप पेज नंबर 9 पे आ जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ पे हमें ट्रू एंड फॉल्स पे मेंशन करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, इस पे लिखा हुआ है 375 + 405 + 163 = 943, यानी 943। तो तमाम वैल्यू को ऐड करें तो इसके ये वैल्यू, इन तमाम वैल्यू को ऐड करने के बाद ये वैल्यू इसके बराबर है। तो हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है, अगर है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 375 375 405 405 136 163 163। इन तमाम वैल्यू को ऐड करें, 5 5 और 3 ऐड करें 13 हो जाएगा, 13 की पावर 7 1 और 6, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, फिर उसके बाद 1 3 4 1, ये हो जाएगा 9। इन तमाम वैल्यू को ऐड करें, 4 और 3 3 4 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 943। यहाँ पे 943 लिखा हुआ है तो यही ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। इसके बाद बी पार्ट पे आ जाए, बी पार्ट पे लिखा हुआ है 400 more than 69843 इज, जैसे 69843 है एक वैल्यू गिवन है और इससे ज्यादा जो है एक और वैल्यू है, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये तमाम वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, जैसे ये गिवन वैल्यू है इसके अंदर हमने 400 और बढ़ा दिए तो हमारे पास ये वैल्यू बननी चाहिए। इसका सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 69843 लिखा। ठीक है, इसके अंदर और हमने क्या ऐड कर दिया, 400 को, क्योंकि मोर देन लिखा हुआ है तो हमने 400 इसके अंदर ऐड कर दिया। तो 3 में से 0 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 12 की पावर, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 पावर चली जाएगी। तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो ये बन रहा है 70,243, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 69443, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये आंसर गलत लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाएं आप सी पार्ट पे, तो 790,536 is 890,536। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये वैल्यू बड़ी वैल्यू है। ठीक है, इसमें से अगर हम 7000 माइनस करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनेगी। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, तो बड़ी वैल्यू क्या है, ये है, इसमें से लेस करते हैं हम 7000 8 9 7 5 3 6 7000 माइनस करें तो 6 में से 0 माइनस करें तो 6, 3 में से 0 माइनस करें 3, 5 में से 0 माइनस करें 5, 7 में से 7 माइनस करें 0, 9 में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 9 आ जाएगी, 8 में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो 8। यहाँ पे बना 890536, यहाँ पे है 890536, तो ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है कि अगर हम इसमें से इस 7000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी पार्ट, आसिफ हैज 895123 एंड फहद हैज रुपीज 896012। फहद हैज मोर मनी देन आसिफ। यहाँ पे जो है आसिफ के पास जो अमाउंट है वो लिखा हुआ है कि उसके पास जो है वो है 895,123 और फहद के पास है 896,012। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फहद हैज़ मोर मनी देन आसिफ, फहद के पास जो है वो आसिफ से ज़्यादा मनी है। ठीक है, तो आसिफ के पास मनी ज़्यादा है। ठीक है,
आसिफ के पास जो है वो मनी कम है, ठीक है, और फहद के पास जो है वो मनी ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 895 और यहाँ पे लिखा हुआ 896, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा नंबर बड़ा है? 6 बड़ा है। तो यानी कि फहद के पास जो है वो ज़्यादा मनी और आसिफ के पास कम है। तो ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है कि फहद हैज़ मोर मनी देन आसिफ, फहद के पास ज़्यादा पैसे हैं आसिफ से। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। उसके बाद ई पार्ट में लिखा हुआ है अनस स्पेंड 728,000 टू परचेज अ कार। अनस ने जो है वो एक कार को परचेज करने के लिए जो है वो इतने पैसे दिए, ठीक है। सलमान बाउट अ कार फॉर 725,555। तो और सलमान ने जो है वो एक कार जो है वो इस पैसों में ख़रीदी, ठीक है। सलमान पेड मोर मनी फॉर हीज परचेज कार। सलमान ने जो है वो ज़्यादा पैसे दिए कार को ख़रीदने के लिए, तो ये गलत है, जबकि अनस ने ज़्यादा पैसे दिए हैं और सलमान ने कम पैसे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सलमान ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, तो यहाँ पे हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शन, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, द सम ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, यानी कि सम करना है, ठीक है, 5 डिजिट नंबर को लार्जेस्ट लेना है, यानी कि 5 डिजिट नंबर है वो भी लार्जेस्ट वाले, और 4 डिजिट लेना है स्मॉलेस्ट। तो आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने 5 डिजिट ले लिए लार्जेस्ट और यहाँ पे 4 डिजिट ले लिए स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे ये है 999999 और ये है 1000, ठीक है, या इसको इस तरह से पढ़ेंगे 99999, सही है। अब इसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, इसमें लिखा हुआ है सम, यहाँ पे लिखा हुआ है सम, तो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से आप ऐड करें कि 9 में 0 ऐड करें तो 9 आ जाएगा, 9 में 0 ऐड करें 9 में 0 ऐड करें 9 में 1 ऐड करें 0 यानी कि यहाँ पे 9 में 1 ऐड करें तो 10 आता है, 10 का 0 यहाँ पे 1 पावर आ जाएगी, ठीक है, 1 पावर। अच्छा, 9 में 1 ऐड करें 10, यहाँ पे 10 पूरा लिख देंगे क्योंकि उसके बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा आंसर है 100999। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे इस ऑप्शन में 10999 आ रहा है, नहीं, तो ये वाले रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले में देखेंगे 100999, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर हमें टिक करना है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। बी पार्ट, इस पर लिखा हुआ 250000 प्लस 25000 इज इक्वल टू, इन दोनों वैल्यू को प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, इन चारों ऑप्शन में से चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो बी पार्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे। पहले हमने ऊपर लिख ली 250000 25000, अब ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें 0, 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 5 ऐड करें 5 में 2 ऐड करें 7, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये 2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 275000, यहाँ पे देखें 275000, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, हमने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट में लिखा हुआ 2400 प्लस 180 प्लस 9 इज इक्वल टू, इन तीनों वैल्यू को बराबर करें तो उसके बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो अब इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लें आप, इन तीनों वैल्यू को इस तरह से ऐड करेंगे आप, 2400 लिखा, राइट साइड से लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे आपने 0 लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 1 वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 9, आपने यहाँ पे लिखा 9, उसके बाद 009, इन तीनों वैल्यू को ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 908, तो यहाँ पे आ जाएगा 841 5 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 2, सही है। तो ये हमारा बन जाएगा 2589। तो यहाँ पे देखें 2589 आ रहा है हमारे पास, 80 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2589 ये करेक्ट है, तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे। डी पार्ट पे आ जाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन 99999 एंड 1000 इज इक्वल टू, यानी इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस बताने के, इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है।
तो इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है यानी कि 99,999 में से हमें माइनस करना है 1,000 को, ठीक है, इस वैल्यू में से हमें 1,000 माइनस करना है। तो अब यहाँ पर आप माइनस करें, ठीक है, ये डी पार्ट है, इसमें से 1,000 माइनस करें, 9 में से 0 माइनस करें 9, 9 में से 0 माइनस करें 9, 9 में से 0 माइनस करें 9, 9 में से 1 माइनस करें 8, 9 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 98,999। तो यहाँ पर 98,000 है, तो पहले देखेंगे 98,000 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे नहीं, ये वाला आंसर नहीं है, 80 नहीं, भी नहीं है, 98,000 98,999 ये करेक्ट आंसर है, इस पर आप टिक कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है वो ये है। उसके बाद टेक ई पार्ट में टेक अवे 874528 फ्रॉम 900059। ई पार्ट टेक अवे 874528 फ्रॉम 900059। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इन दोनों के दरमियान का ही डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी, ये वाली छोटी वैल्यू ये, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन दोनों के दरमियान की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर, ठीक है, हमने सबसे पहले बड़ी वैल्यू लिखी है, फिर छोटी वैल्यू, 9 में से 8 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करें तो 3, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 0 छोटा नंबर है, 5 बड़ा नंबर है, तो हमें बराबर से कैरी लेनी है। अब बराबर में भी 0 लिखा हुआ है, फिर उसके बराबर में देखेंगे यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है, फिर उससे बराबर में देखेंगे, तो पहले 9 ने 1 इसको दिया, ठीक है, फिर उसके बाद इससे इसको 1 ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद इससे जो है इसने जो है 1 ले लिया, अब ये हो गया 10, 10 में से 1 यहाँ पे कैरी ले ली, ठीक है, तो ये हो गया 15, 15 में से 2 माइनस करें बल्कि यहाँ पे ये तो हो गया था ना, 5 में से 2 माइनस कर दिए तो ये हो गया था 3, यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करें तो 10 में से 5 माइनस करें तो आपके पास क्या आ गया, 5, ठीक है। अब उसके बाद आपने 1 पावर इसको दे दी थी, ठीक है, 1 पावर आपने इसको दी थी, तो यहाँ पर क्या बचा, 9, क्योंकि ये हो गया था पहले, पहले इसने इससे ली तो ये हो गया था 10, 10 ने इसको 1 पावर दी तो ये हो गया था 9 और ये था 10, फिर 10 ने इसको एक पावर दे दी तो ये था 9 और ये हो गया था 10, तो 10 में से 5 माइनस कर दिए तो ये आपने 5 आ गया यहाँ पे। अब 9 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 5, 9 में से 7 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2 और यहाँ पर 8 बचा, 8 में से 8 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो 0 की कोई अहमियत नहीं होती इसलिए हम 0 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पे आ गया 25531, तो यहाँ पे 25531 फर्स्ट आंसर करेक्ट है, आपने इस पर टिक कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एट द फॉलोइंग ए पार्ट देखें, ए पार्ट में लिखा 43846 35017, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना है, इन दोनों वैल्यू को इस तरह से ऐड करेंगे कि 43846 35017, 6 में 7 ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 13, 13 की पावर, ठीक है। अब उसके बाद 456 यहाँ पे आ जाएगा 6, 8 में 0 ऐड करें तो 0, 3 और यहाँ पे 5, 3 5 8 हो गया, ठीक है, 3 और 5 8 हो गया, 8 आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ए पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो आप यहाँ पर, ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखिएगा, लेकिन ये तमाम काम आपको कॉपी में करना है, ठीक है, तो ये सारा काम आपको कॉपी में करिएगा, ठीक है। बी पार्ट सी पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको डी पार्ट करके बता देती हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3294362812744, तो यहाँ पे 3293464682812744 इन दोनों वैल्यू को ऐड करें, 6 में 4 ऐड करें 10, 10 की 1 पावर, ठीक है, 7 में 3 ऐड करें तो 10, 10 में 1 ऐड करें 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 पावर चले गए, ठीक है। अब 4567 तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 1 10, 10 का 0 1 पावर चले गए, ठीक है, ऊपर पावर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3,
3 और 8, तो ये क्या हो गया 11, 11 का 1 और इसके ऊपर पावर लग जाएगी, ठीक है। अब 3, 4, 5, 6, तो यहाँ जगह 6, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे 610, 610, 710, इसका आंसर है, ठीक है। अब आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्टिकली एंड ऐड। ये देखिए, ये आपको हॉरिजॉन्टल वे में नजर आ रहा है, ठीक है, आपको इसको वर्टिकल में लिखना है। वर्टिकल जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये वर्टिकल होती है, इस तरह से ये लिखी हुई जो है ये वर्टिकल होती है, और इस तरह से जो लिखी हुई होती है ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लिख के दिखाया हुआ है इन्होंने, लेकिन आपको वर्टिकल में लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वर्टिकल में इसको सॉल्व करना है और इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट में देखें, 24639 प्लस 10251, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आप लोग भी अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा पेंसिल से। तो यहाँ पे लिखेंगे 24639 10251, ठीक है। 9 में 1 ऐड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 9 में 1 ऐड करें तो होता है 10, तो 10 का 0 इधर 1 पावर, ठीक है। 5 3 8 और ये 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 6 2 6 में 2 ऐड करें, 6 7 8 8 आ जाएगा। 4 में 0 ऐड करें तो 4 आ जाएगा, 2 3 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 4 8 9 0। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपको कॉपी में भी करना है। उसके बाद बी सी पार्ट आप खुद करेंगे, डी पार्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसमें लिखा हुआ है 14838 प्लस 249501 प्लस 108 प्लस 108633, ठीक है। इन तीनों वैल्यू को ऐड करें डी पार्ट में, ठीक है। डी पार्ट ये लिखा हुआ है, तीनों वैल्यूज हमने इस तरह से लिख ली, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ 14838, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ 249501। यहाँ पे जो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे तो पहले 0, फिर पहले 1, 0, फिर 5, फिर 9, फिर 4, फिर 2, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे भी हम राइट साइड से तमाम वैल्यूज उतारना शुरू करेंगे। अब इन तीनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे 813 लिखा हुआ है तो इनको ऐड करें, 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 12 का 2 नीचे और 1 ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 3 0 3 3, तो 3 और 3 6 और ये 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 5 9, इन तीनों को ऐड किया हमारे पास तो आ जाएगा हमारे पास 19 का यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ जाएगी 1 पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 1 5 9 और 8, ये हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 22 का 2 आ जाएगा और 2 पावर आ जाएगी। 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 7 2 3 7 2 9 7। उसके बाद एफ पार्ट पे आ जाएं आप, एफ पार्ट पे लिखा हुआ है, अच्छा ई पार्ट आपको खुद करना है और एफ पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ। 204 469 10 20 204 96 प्लस 2460। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे, पहले हमने लिखा 204 469, फिर उसके बाद राइट साइड से स्टार्ट करिए तो आना 69 402 60 06 42, इस तरह से हमने वैल्यूज को अरेंज किया। अब इसको ऐड करें, 9 में 6 ऐड करें, 15 की 1 पावर, ठीक है, 5 नीचे और 1 पावर, तो यहाँ पे ऐड करें 6 9 6 और 2, इन तमाम वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, ठीक है। 22 का 2 यहाँ पर आ जाएगा नीचे और 2 इसकी पावर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4 4 4 और ये लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा 14 का 4 यहाँ पर और 1 पावर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 5 6 7, ठीक है, तो 7 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 2 7 4 2 5, ये इसका आंसर, ठीक है। एफ पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, ये तमाम पार्ट आपको कॉपी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द नंबर्स विच इज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 मोर देन 12500,
यानी कि 125 जो है उसके अंदर हम और ऐड करेंगे कौन से नंबर्स, 200 नंबर्स, 125000 के अंदर जो है हम 200 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो इस तरह से आप ए पार्ट को सॉल्व करेंगे, 125000 और 200 यहाँ पे हमने लिखा 000000, जीरो में 2 ऐड करें तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 में कुछ भी ऐड नहीं करना तो 5 आ जाएगा 2 ऐसे ही, और यहाँ पे 1 भी ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर होगा। अब यहाँ पर इसी तरीके से डी पार्ट में लिखा हुआ है 400 मोर देन 509600, यानी इसके अंदर जो हमें और कितने वैल्यू बढ़ानी है, 400 और इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर 509600 इसके अंदर हमें 400 और वैल्यू ऐड करनी है, तो यहाँ पे हमने 400 लिखा और इन वैल्यू को ऐड कर दिया, 000, 0 में 0 ऐड करें तो 0, 6 में 4 ऐड करें तो 10, 10 की 1 पावर, ठीक है, यहाँ पे पावर आ जाएगी, 10 में 0 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 पावर चली गई, 9 1 0 9 1 10 हो गया, तो 10 का 0 यहाँ पर आ गया और 1 पावर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 10 और ये 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह से डी पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया, बी सी पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो ए पार्ट देखें आप, इस तरह से ए पार्ट लिखा हुआ है, 7 4 6 3 8 9 9 4 2 4 7, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 में 7 माइनस करें तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, इसके बाद 8 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 3 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, 6 में 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2, और 4 में से 9 माइनस नहीं हो सकते तो हम यहाँ से पावर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ से पावर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 14, में से 9 माइनस करें तो आपके पास बचेगा 5, और यहाँ पे हमने जब इसको 1 पावर दे दी थी तो ये बचा था, इस तरह से लिख देंगे 6, ठीक है, यहाँ पे जब हमने इसको पावर दे दी थी तो यहाँ पे बचा 6, 1 पावर दी थी ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 खत्म हो गया, तो 7 की जगह हमारे पास बचा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। उसके बाद डी सी पार्ट आपको खुद करना है, डी पार्ट में आपको खुद करवा देती हूँ, ठीक है। 7 6 2 0 4 3 5 0 9 5 6 9, अब यहाँ पे हमें माइनस करना है 3 में से 7, तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर ले लेंगे 4 में से 1 पावर, ठीक है, 4 में से हमने 1 पावर ले ली तो ये हो गया 13, 13 में से 7 माइनस करें तो यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने 1 पावर दे दी तो यहाँ पे बचा 3, ठीक है, अब 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकते क्योंकि 3 नंबर छोटा है, तो यहाँ से 0 में से पावर नहीं ले सकते क्योंकि 0 कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे पहले हम 2 में से 1 को दे 1 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10, अब 10 में से हम 1 इसको दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 10 में से जब हमने इसको 1 दिया तो यहाँ पे क्या बचा, 9, यहाँ पे बच गया 9 और ये हो गया 14, 14 में से 6 माइनस करें तो यहाँ पे बचा 7, 14 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा इसका आंसर, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4, अब यहाँ पे है 1 क्योंकि हमने 10 इसको 0 के पास हमने 1 पावर दे दी थी, तो यहाँ पे है 2 सॉरी 1, यहाँ पे है 1, 1 में से 9 माइनस करना है तो 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता तो हमने यहाँ से 1 पावर ले ली तो ये हो गया 11, क्योंकि 1 पहले से था और यहाँ पे 1 और आ गया तो यहाँ पे 1 1 11, तो 11 में से 9 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 2, अब यहाँ पर बचा है 5 क्योंकि हमने 1 पावर दे दी थी तो यहाँ पे बचा है 5, 5 में से 0 माइनस करें 5, और 7 में से 5 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 2, तो ये इसका आंसर, ठीक है, डी पार्ट भी हो गया सॉल्व। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 पे, राइट दिस वर्टिकली एंड सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में वर्टिकल वे में हमने सॉल्व किया, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम वर्टिकल में सॉल्व करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले सबसे पहले आप ए बी पार्ट आप खुद कर लेंगे, सी पार्ट में आपको खुद करवा देती हूँ, ठीक है। सी पार्ट देखें, 2 0 0 3 3 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 8 9 7 6 4, अब 4 में से 1 माइनस करें, 4 1 छोटा नंबर है 4 बड़ा नंबर है, 1 पावर ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, 1 पावर ले ली, 3 में से 1 पावर ले ली तो ये हो गया 11, 11 में से 4 माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1 पावर इसको दे दी थी तो यहाँ पे क्या बचा था, 2, ठीक है, यहाँ पे बचा था 2, अब 2 में से 6 माइनस कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते क्योंकि 2 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है,
अब यहाँ पे हमें पावर चाहिए तो यहाँ पे जीरो जीरो लिखा हुआ है, यहाँ पे भी जीरो लिखा हुआ है, यहाँ से भी पावर नहीं ले सकते तो हम पावर ले लेंगे यहाँ से, टू से पावर लेंगे, पहले इसको देंगे फिर ये देगा इसको, ठीक है। टेन हो गया, टेन इसने पावर दे दी तो यहाँ पे बचा नाइन। अब यहाँ पर ये बन गया टेन, अब टेन इसको पावर दे देगा वन तो ये बचेगा नाइन, ठीक है, यानी कि ये नाइन हो जाएगा, ये भी नाइन हो जाएगा। अब ये है टेन, अब टेन इसको देगा एक पावर तो ये हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सेवन माइनस करें तो सिक्स आ जाएगा हमारे पास, तो सिक्स आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे है नाइन क्योंकि हमने वन पावर दे दी थी इसको, पहले ये था टेन, अब यहाँ पर हो गया नाइन, तो नाइन में से सेवन माइनस करें तो आ जाएगा टू, फिर उसके बाद नाइन में से नाइन माइनस करें तो यहाँ आ जाएगा जीरो, नाइन में से एट माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा वन, और यहाँ पे हमने वन पावर दे दी थी इसको तो यहाँ पे बचा वन, तो वन में से वन माइनस करेंगे तो जीरो। तो इसकी कोई अहमियत नहीं होती है क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर जीरो आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जहां से नंबर स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री तो हम उसको वहां से लिखते हैं, ठीक है। तो इस जीरो को नहीं लिखे तो ज्यादा अच्छा है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वन जीरो टू सिक्स सेवन, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट, अब बी पार्ट भी आपको मैं करवा देती हूँ, ठीक है। बी पार्ट में लिखा हुआ है टू फाइव सिक्स सेवन जीरो फोर वन जीरो थ्री जीरो टू एट, फोर में से एट माइनस करें नहीं हो सकता तो यहाँ पे हम पावर ले लेंगे, जीरो है यहाँ पे तो पहले इसको पावर देंगे, तो सेवन में से वन पावर इसको दी तो ये हो गया टेन, टेन में से एक पावर इसको दी तो ये हो गया फोर्टीन, फोर्टीन में से एट माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स। अब यहाँ पे टेन था, टेन में हमने वन पावर इसको दे दी तो यहाँ पे क्या बचा नाइन, नाइन में से टू माइनस करें सेवन, ठीक है। अब यहाँ पे था सिक्स क्योंकि हमने वन पावर दे दी थी तो सिक्स में से जीरो माइनस करें सिक्स आ जाएगा, सिक्स में से थ्री माइनस करें थ्री, फाइव में से जीरो माइनस करें फाइव, टू में से वन माइनस करें वन। इस तरह से आपने बी पार्ट भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। बी और सी पार्ट मैंने आपको करवाया है, ए डी ई ये पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन, सब्ट्रैक्ट हंड्रेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपको जो गिवन नंबर्स हैं इन तमाम नंबर्स में 100 से सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी जो वैल्यूज आपके पास हैं उन तमाम वैल्यू को में से 100 माइनस करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले ए पार्ट देखें, 146952 लिखा हुआ है, 146952 इसको हमें 100 से माइनस करवाना है, 2 में से 0 माइनस करवाएं 2, 5 में से 0 माइनस करवाएं 5, 9 में से 1 माइनस करवाएं 8, 6 एज इट इज, 4 एज इट इज और 1 भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी सी पार्ट आप खुद करेंगे, डी पार्ट में आपको करवा देती हूँ, 810000 यहाँ पे हमने डी पार्ट लिख लिया, इसमें से भी 100 माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट करना है 100 फ्रॉम ईच, सब वैल्यूज में से हमें 100 माइनस करना है। अब यहाँ पे भी हमने 100 लिखा, अब जीरो में से जीरो माइनस करें तो जीरो, जीरो में से जीरो माइनस करें तो जीरो, जीरो में से वन माइनस नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पे पावर लेनी होगी, तो हमने पहले पावर ली इससे, ये हो गया टेन, फिर उसके बाद इसको पावर दी तो ये हो गया टेन। अब टेन में से वन माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन, अब यहाँ पे टेन था लेकिन हमने पावर दे दी थी इसको तो यहाँ पे क्या बचा था नाइन, तो नाइन एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी, यानी कि हमें किसी से भी सब्ट्रैक्ट नहीं करवाना तो नाइन एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर हमने वन पावर दे दी थी इसको तो यहाँ पे क्या बचा था, क्योंकि यहाँ पे वन है तो यहाँ पे क्या बचा जीरो, अब यहाँ पे नीचे कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीरो एज इट इज उतार लिया, एट एज इट इज आ गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेन, सब्ट्रैक्ट 500 फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, अब इन चारों नंबर्स में 500 को माइनस करना है, ठीक है। तो ये ए पार्ट में आपको सॉल्व करवा रही हूँ किस तरह से आपको 500 माइनस करना है, ये देखें ए पार्ट में लिखा हुआ है 3856062 0, और इसमें से 500 माइनस करना है, तो यहाँ पे इस तरह से माइनस करेंगे कि जीरो में से जीरो माइनस करेंगे जीरो, टू में से जीरो माइनस करेंगे तो टू, सिक्स में से फाइव माइनस करेंगे तो वन, फाइव एज इट इज आ जाएगा क्योंकि नीचे नंबर नहीं है, एट एज इट इज आ जाएगा और थ्री एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी पार्ट देखिए, आप डी पार्ट में लिखा हुआ है 690110, यहाँ पे लिखा हुआ है 690110, 500 माइनस करना है तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो जीरो, वन में से जीरो माइनस करेंगे तो वन, जीरो में से फाइव माइनस नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे वन पावर ले लेंगे, टेन में से फाइव माइनस करेंगे बराबर से वन हमने पावर ले ली, कैरी ले ली एक तरीके से, तो टेन में से फाइव माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव, अब यहाँ पर हमने वन उसको दे दिया था तो यहाँ पे बचा एट, एट तो यहाँ पे नीचे कोई वैल्यू ही नहीं है
तो 8 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसको किसी भी नंबर से माइनस नहीं करवाना. 6 एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, ये हमारा आंसर है. और बी सी पार्ट भी आपको खुद करना है. ये तमाम काम आपको कॉपी में करना है. ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है.